अपनी फ्रेंड भी डिस्टर्ब कर। और उसने ड्रिंक्स कब ली? मैंने तो उसे ड्रिंक्स लेते हुए देखा ही नहीं। नहीं पता कब कैसे, पर पीने के बाद ये सब करता है ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता। और उसे पता है कि आई डोंट लाइक इट। योर फोन। सिद्धार्थ, आई थिंक राजी काफी अपसेट है ना? आई थिंक तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए। तुम उससे जाके बात करो, मैं रणवीर को लेकर। ओके, दूर जान नू जीनी करदा। मुझे पार्टी करनी है, मुझे अभी नहीं जाना है यार। रणबीर, डीजे चला गया है। अरे ऐसे कैसे पार्टीज ओवर? मैं डीजे हूँ, तुम डीजे हो, हम साथ में डीजे बनके प्ले करेंगे ना यार। चलो ना वापस चलते हैं ना, प्लीज। बात करो, सो रहे लोग, सो रहे जाएंगे और शायद कंप्लेन भी। हाँ, यही रूम था जिसकी बुकिंग मुझे ने करवाई है और इसकी चाबी कार्पेट के नीचे रखवा दी थी। नहीं नहीं, एक सेकंड, जस्ट वेट। बस रणबीर, अब इस रूम में हमारी दूरियां खत्म। ये कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझको? मेरे को डांस अभी भी करना है, मुझे रेडी नहीं हूं टू डांस है। करेंगे डांस, बहुत सारा डांस करेंगे। रणबीर, ये रूम हमारा है रणबीर, और हमें यहाँ डिस्टर्ब करने कोई नहीं आने वाला। ना सिद्धार्थ, ना प्राची, वो हमें ढूंढते रह जाएंगे लेकिन इस रूम में कभी नहीं आ पाएंगे। अरे टाइट को क्या हो गया? अरे कॉरिडोर में तो लाइट है। एक्सक्यूज मी मैनेजर, एक्सक्यूज मी सर, वो रूम में ना लाइट्स नहीं है। मैम वैसे लाइट्स तो चल रही है, आपके रूम में बस थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। अगर आप कहें तो मैं आपका रूम चेंज करवा देता हूँ। नो नो, इट्स ओके, दैट्स ओके। आप हमारे स्पेशल गेस्ट है, आप लोग दिल्ली से आए हो ना? राजेश्वरी जी ने भेजा है आपको। हाँ, वो एक्चुअली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम ना, तो इसलिए मैंने ये रूम बुक करने के लिए कहा था ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करेगा ना। हाँ मैम, एक्चुअली आपके रूम पे एसी हीटर सब कुछ चल रहा है, बस थोड़ा लाइट का इशू है और कोई रूम ही अवेलेबल नहीं है। और हमें बोला गया था कि रूम चाहिए ही चाहिए, तो हमने कहा था कि लाइट्स जा सकती है, बट देन शी वाज लाइक बाकी सब है ना, रूम अवेलेबल है, बस हमें रूम दे दीजिए। तो फिर उन्होंने ये रूम बुक कर लिया। मैम इट्स ओके, मैं मोबाइल के लाइट से मैनेज कर लूंगा। थैंक्स। मैम ये हमारे किसी और गेस्ट के लिए। उस गेस्ट को बोलना सॉरी और तुम्हारे लिए थैंक यू। ओके मैम। आज तुम कुछ नहीं बोलोगे और कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे साथ। आज से हमारे बीच में कोई मजबूरी और कोई दूरी नहीं होगी। आज से तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। सिद्धार्थ, तुम
I love you too. What was this? क्या कर रहे तुम? कल पूरी रात तुम मुझसे यही तो कहती रही कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो. I love you, तुम कहती रही और मैं सुनता रहा क्योंकि तुमने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया मुझे. बट सही बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं चाहता था कि तुम बस कहती रहो और मैं सुनता रहूं. कुछ मत बोलना और कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे साथ. बट आई एम वेरी हैप्पी भैया, फाइनली वी आर अ कपल, देयर नो मोर स्ट्रेंजर्स. आज हमारी फाइनली शादी कंप्लीट हो गई. मैं तो रणबीर के साथ. हाँ पता है, तुम रणबीर को लेने गई थी और मैं प्राची को मनाने गया था. वो तो रणबीर से नाराज थी. वो मुझे पता है, आगे बोलो. मैंने प्राची को रोका. प्राची सुनो, प्राची सुनो ना, प्राची सुनो. उसकी गलती थी, उसने गलती से पी ली होगी. गलती से? तुम भी तो थे ना वहाँ पे, तुमने तो नहीं पी गलती से. इट्स ओके प्राची, हनीमून पे आया है, एंजॉय कर रहा है. अभी किसी पंजाबी को देखा है बिना दारू के एंजॉय कर? दो तीन ड्रिंक्स ले ली होगी तो क्या हुआ? तुम उसकी ड्रिंक्स पे मत जाओ. तुम ये देखो कि वो कितने एंजॉय कर रहा है, कितना गा रहा है, कितना गुनगुना रहा है. तभी इतना खुश देगा उसको. एंड आई थिंक तुम्हें भी उसकी खुशी में ना खुश होना चाहिए. मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि कैसा बिहेव कर रहा था, देखा ना तुमने. अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारे गुस्सा करने से उसका नशा तो नहीं चले जाएगा. एक काम करो, उसे संभालो, उसे रूम में ले जाओ. कहीं पता चले नशे में कोई लड़की ना उसको अपने रूम में ले जाए, फिर तुम अपने आप को कोसती रहोगी. हाँ तुम भी चलो मेरे साथ. चलो. प्राची भी दो सेकंड के लिए ना टेंशन में आ गई थी. उसे लगा कि रणबीर को सच में कोई लड़की अपने होटल रूम में लेके जा रही है. पर फिर ध्यान से देखा तो तुम ही थी. अरे ये रिया गलत रूम में जा रही है. उसे शायद याद नहीं होगा, उसे रोकते हैं. एक्सक्यूज मी मैनेजर. रणबीर ऐसी हरकतें करता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता. सेठ रिलैक्स, देखते ना क्या बात है. नहीं आज अच्छे से खबर लूंगी. कि किसी और का कमरा, रणबीर को बाहर निकालना होगा. अरे यहाँ पे कितना अंधेरा है. मैं टॉर्च चलाता हूँ, एक मिनट. हाँ. रणबीर उठो. रणबीर उठो, गेट अप, उठो. प्राची. हाँ. मुझे घर ले चलो प्लीज. हाँ. सोना में. हाँ, अपनी रूम में जाके सोइए. उठो, मुझे गर्मी है यहाँ पे. हाँ मेरे मोबाइल अंदर रह गया. ठीक है ले आओ. तुम उसको लेके जाओ. डांस जाना जी. आराम से. जैकेट भी भूल गया. ओ गॉड, गलत टाइम पे बंद हो गया. आज तुम कुछ नहीं बोलो, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे साथ. आज ये कमरा, ये रात और ये समय हमारा है. आज हम दोनों के बीच में कुछ नहीं. आज से तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे. और उसके बाद जो हुआ वो तुमसे बेटर कौन जानता. अच्छा मैं अपनी जैकेट लेके आता हूँ. रणबीर के लिए थी, रणबीर के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं थी वो.
कौन? What the hell? मैंने इस रात को रणबीर और मेरे लिए संभाल कर रखा था इतने साल। थोड़ा अपसेट था इसलिए ज्यादा भूल गया, पर तुम लोगों को भी मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल समझनी चाहिए थी। अगर हम तीनों ने अपनी भड़ास निकाल ली हो तो काम की बात करें। प्लान क्या है? प्लान ऐसा है जो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा पर किसी और के लिए बुरा होगा। किसके लिए? ओबेसली प्रज्ञा के लिए। प्रज्ञा ने मेरे सारे इनकम सोर्स पे ताले लगा दिए और मेरा ये जो प्लान है ना उन सारे तालों की चाबी है। मेरा मनी फ्लो फिर से शुरू हो जाएगा। मिस्टर गौरव, बिजनेस तुम और आलिया करते हो तो ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे जो मुझे समझ में आए? कोशिश करता हूँ। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा प्रज्ञा की फार्मा कंपनी। हम उसी कंपनी में कुछ इलीगल दवाइयां रखवाएंगे, वो दवाइयां जो इंडिया में बैन है, फिर हम ही उसे पकड़वाएंगे। हम एक रात ये करेंगे और दूसरी रात उसकी सारी फैक्ट्रीज में आग लगवा देंगे। मीडिया तक ये न्यूज पहुंचेगी कि प्रज्ञा की कंपनी में इलीगल दवाइयां मिली है, इसलिए उसने अपनी सारी फैक्ट्रीज में आग लगा दी ताकि वो अपना इलीगल सामान डिस्ट्रॉय कर सके और सबसे छुपा सके। वो प्रज्ञा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, इस एक झटके से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा बहुत कुछ होगा। जैसे इलीगल दवाइयों की बातें मार्केट में आएंगी, मार्केट में प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी और ये शॉर्टेज हम पूरी करेंगे। प्लान हमारा है तो तैयारी भी हमारी पूरी होगी। वहाँ प्रज्ञा की फैक्ट्रीज बंद हो रही होंगी और हमारी फैक्ट्री दिन रात काम कर रही होंगी। हमारा होगा प्रॉफिट, प्रज्ञा का होगा लॉस, और ये लॉस सिर्फ पैसों का ही नहीं होगा, उसे लॉस होगा उसकी रेपुटेशन का, और फिर शुरू होगी लीगल बैटल्स। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाए हुए? पहली बार जा रही हूँ क्या? मैं भी कहाँ पहली बार मुंह लटका रही हूँ। आप जब भी बाहर जाती हैं ना कुछ गलत होता। लास्ट टाइम आप बैंगलोर गई थी, वो सीढ़ियों से गिर गए, हॉस्पिटलाइज हो। और आपको याद है ऑस्ट्रेलिया से भी जब आप कैलिफोर्निया गई थी, मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। आप नहीं होती ना आसपास तो बहुत डर लगता है। आप लकी चार्म नहीं है, आप लाइफ सेवियर है मेरी। आप मेरे पास ही रहा कीजिए। तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करोगी तो किसका मन करेगा जाने के लिए? प्रज्ञा, अगर ये मीटिंग जरूरी नहीं होती ना तो मैं नहीं जाती। ये मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं जाऊंगी ना तो। मैं कहाँ रोक रही हूँ आपको, बस फीलिंग शेयर कर रही हूँ। सच कहूँ तो प्रज्ञा, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। जब से ये तनु और आलिया इस घर में आई है ना, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। ऐसा नहीं कि तुम उनको हैंडल नहीं कर सकती, बस वो लोग इतने अनप्रेडिक्टेबल है ना कि किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर जब मुझे अभी का ख्याल आया तो लगा कि डर कैसा। क्या फर्क पड़ता उनके रहने से, उन्हें कौन सी मेरी फिक्र? क्या उसे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तो देखो तुम्हारे आगे पीछे भागता रहता है। वो तो सबको दिखाने के लिए कि मेरे बॉडीगार्ड है। आके मेरी फिक्र होती तो ऐसे अपने दिल की बातें दिल में नहीं रखते। कौन सी बात? पता नहीं, लेकिन कोई बात तो वो छुपा रहे हैं, और कोई बड़ी बात है। अगर वो ये बात नहीं बता रहा तो उसकी कोई वजह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। प्रज्ञा, उसके बिहेवियर से उसकी फीलिंग्स को जज मत करो। वो तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता है, बस तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। अब उस रात की बात ले लो, जब तुमने उसे पीने से मना किया और घर से बाहर चली गई तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आया, गुंडों से बचाकर तुम्हें घर लेकर आया, और उसने उस वक्त बेबी नहीं थी। वो बात सुननी ही क्यों जो दिखाई दे रही है। प्रज्ञा, उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह है और ये बात उसे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसका साथ ही तुम्हारे लिए काफी है। वो जैसा है ना उसे वैसा ही रहने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बस उसके साथ झगड़ा मत करो। मैं झगड़ा नहीं करती। ठीक है बाबा, तुम झगड़ा नहीं करती, वो झगड़ा करता है, लेकिन जब वो झगड़ा करे ना तो उस बात को वही खत्म कर दो। वो तुम्हारा हस्बैंड बनकर, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर हमेशा तुम्हारा साथ देने की कोशिश करता है। थोड़ी सी कोशिश तुम भी करो। अब ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही उनकी, कल तक तो उनके बारे में आपकी सोच ही अलग थी। सोच का क्या है प्रज्ञा, वक्त के साथ साथ बदल जाती है। मैंने उसे बहुत करीब से जानने की कोशिश की है, वो बस एक्सप्रेस नहीं करना जानता। वो तुम्हारी परवाह करता है ये जताना नहीं जानता।
वो तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करता है, बहुत ज्यादा केयर करेगा तुम्हारी। कहाँ गए थे आप? तुम एक काम करो, तुम जाकर बाहर वॉचमैन के कैबिन में क्यों नहीं बैठ जाती? वहां पर बैठ कर ये सवाल पूछती हो अच्छी भी लगोगी। कहाँ गए थे? कहाँ सर? मत घुमाइए। मैं बस, आप मुझे बता के क्यों नहीं गए कि आप गौरव से मिलने जा रहे हैं? नहीं, जासूसी कर रही हो क्या? हाँ, मेरे पल पल का पता लगा रही हो? अपनी बॉडीगार्ड का जासूसी करता कौन है? आई मीन, अपनी बॉडीगार्ड की जासूसी करना इज लाइक डूइंग ओन जासूसी। नहीं, क्योंकि तुम जहाँ मैं वहाँ। लेकिन मेरे साथ तो थे नहीं आप, आप उसके ऑफिस गए थे, वो भी मुझे बिना बताए। और आपकी जासूसी करने की जरूरत ही नहीं है, गौरव का फोन आया था मुझे, उसने खुद बताया। इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था मुझे। क्या धमकी दे रहा था? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उसका टांग तोड़ के आता हूं। कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाऊंगा? धमकी दे रहा, उसकी धमकी का जवाब नहीं दूंगा मैं। अरे वो सूट वूट पहनने वाला गुंडा है वो, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं? मैं बिना सूट बूट वाला गुंडा बनना चाहता हूँ। मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं, उसे सीधा करने जा रहा हूँ। इससे लोगों के मुंह नहीं लगते। मुंह कौन लग रहा है? मैं सीधा उसका मुंह ही तोड़ दूंगा। कुछ नहीं करेंगे आप। कमाल है, वो धमकी दे रहा है और मैं कुछ ना करूँ। उसका फोन इसलिए आया था, वो धमकी इसलिए दे रहा था क्योंकि आप उसके ऑफिस गए थे। आप वहाँ गए क्यों? अलिया के फोन पर गौरव के बहुत सारे मिस कॉल थे, फिर मैं समझ गया कि दोनों ने मिलने का प्लान बनाया होगा। मुझे लगा जल्दबाजी में आलिया जो है वो घर पर फोन भूल गई, और वो गौरव बार बार इसलिए फोन कर रहा था ताकि वो पता लगाए कि आलिया कहाँ तक पहुंची। इसलिए मैं इरिटेट हो गया इस बात पर, क्योंकि आलिया ने मुझसे वादा किया था कि वो ना गौरव से मिलेंगी ना उसके साथ काम करेगी। इसलिए चिंता हो रही थी कि वो गौरव के पास गई क्यों। बच्ची नहीं है, जो आप उसकी इतनी चिंता कर रहे हैं वो अपना ध्यान खुद रख सकती। मुझे तुम्हारी भी फिक्र हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि वो गौरव के साथ मिलकर कोई नई बेवकूफी कर दे, और पहले भी कर चुकी है ना वो। मैं नहीं चाहता कि उसकी बेवकूफी की वजह से किसी का कोई भी लॉस हो। किसी का मतलब तुम्हारा, मेरा या फिर खुद आलिया? किसी और का नुकसान हो ना हो, आपका जरूर हो सकता। मतलब कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर गलत हो जाता। मैं अच्छे क्यों आया आप जानते हैं ना, आलिया बहन है आपकी, आप ये भी जानते हैं कि उसने क्या क्या नहीं किया। पास्ट को लेके प्रेजेंट में कैसे जी? ऐसा कोई है तो नहीं ना जिन्होंने पास्ट में कोई गलती ना की, चाहे वो मैं हूँ, तुम हो या फिर आलिया। और अब उन्हीं गलतियों की वजह से आज हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। कैसा हमारा रिश्ता? मतलब रिश्ता है, जज्बात नहीं है। आलिया को ही ले लो, अगर आलिया ने वो गलती की नहीं होती तो दुनिया की सबसे बेस्ट बहन होती, और मैं भी दुनिया का सबसे लविंग और केयरिंग ब्रदर होता। उसको इस लेवल का प्यार देता ना कि लोग बोलते हैं कि भाई हो तो ऐसा हो, लेकिन अब ऐसा तो हो ना पाया। इसलिए अब ना प्यार है ना भरोसा, हमारे रिश्ते को ही ले लो। एक नहीं दो दो लोगों की गलतियां झेलता आ रहा है। कितना बदलाव आ गया है हमारे रिश्ते में कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इतना तो तुम भी मानती हो ना कि जो हमारे दिल में है वो हमारे जुबान पर नहीं। हम जो है वो दिखते नहीं, हम जो दिखते हैं वो है नहीं, और यही होता है ना, कितना भूले जा रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है, जब मैं शराब नहीं पीता हूँ ना तो होश में नहीं रहता हूँ, जब होश में रहता हूँ तो सेंसिबल बोलता हूँ, इमोशनल नहीं हो जाता हूँ जैसे तुम इमोशनल हो रहे हैं, और जब मैं शराब पीता हूँ तुम घर छोड़ के चली जाती हो। अब हर बार तुम्हें ढूंढ कर बचाने तो टाइम पर नहीं पहुंचूंगा ना, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब जाकर अपना सुकून ढूंढूंगा। और मेरा सुकून जो है ना वो मेरा इंतजार कर रहा है चारों अपने सुकून के पास। मतलब आज भी इन्होंने शराब नहीं पी मेरे लिए। रिया क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सोने जा रही हूँ। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम एक दिन नॉर्मल नहीं रह सकती हो? सुबह कुछ और होती, शाम को कुछ और होती हो। दिल्ली में कुछ और थी, मनाली गए फिर बदल गया, अब दिल्ली आ गए फिर वैसी की वैसी। चाहती क्या हो? शांति,
मिलेगी। रिया इनफ, आई एम डन विद दिस ऑड बिहेवियर। पहले मुझे लगता था कि मेरी कोई गलती से तुम परेशान हो, मुझसे अपसेट हो, पर अब लगता है कि ये तुम सब जानबूझ के करती हो ताकि ताकि मैं परेशान हूँ। तुम मुझे इरिटेट करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है सब कुछ। What? मुझे अच्छा लगता है मुझे तुम्हें इरिटेट करना, झगड़ा करना तुम्हारे साथ, मुझे अच्छा लगता है। Are you out of your mind? मैं तो बस अज्यूम करता हूँ ना तुम कैसी हो। तुम कुछ बताती तो हो नहीं मुझे, बट इतना तो पता है कि तुम वैसी नहीं हो जैसे तुम बैंगलोर में थी। अगर इतना कुछ बोल दिया है तो ये भी बता ही दो ना कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। Come on, say it. I want to hear. Say it. रिया, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम झगड़ा कर रही हो मुझसे। मैं झगड़ा कर रही हूँ, सीरियसली। मैं तो अच्छा खासा जा रही थी ना, तुमने मुझे रोका, तुमने रोका ना, राइट? झगड़ा किसने शुरू किया? तुम झगड़ा तुमने शुरू किया, मैंने नहीं। रिया, मैं तुम कुछ गलत करोगी तो रोकूंगा तो सही। मैंने क्या गलत किया है सिद्धार्थ? रिया, तुम सोने के टाइम पे बाहर जा रही हो और कह रही हो कि इसमें गलती क्या है। जरूरी नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है तो हर रात मुझे अपने पति के साथ ही सोना पड़ेगा। शादी हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी जी नहीं सकती अपने हिसाब से। मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। गेट दैट? रिया, अब तक नहीं रोका था, पर अब मैं रोकने वाला हूँ। तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। या राइट, लिमिट क्रॉस हो चुकी है सिद्धार्थ, और इसलिए शायद ना हमें और बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं, गलत मैं ही हूँ। आई एम द वन हुज द बैड पर्सन, हुज द बैड वाइफ, राइट? तुम सही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमसे बात करना ही बेकार है। नहीं, अब कहाँ जा रहे हो? झगड़ा फिनिश करो ना, तुमने शुरू किया था ना, फिनिश इट अप, कम ऑन। क्या हुआ? अरे रुको, हेलो, लिसन, मत रुको। जॉब लिया। अरे अरे, आराम से रिलैक्स। क्या कर रहे हो? मैंने आराम से पढ़ने को बोला था, आराम से खाने को नहीं। जानती हूँ ना, जब मैं नर्वस होता हूँ तो बहुत ज्यादा खाता हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया करो, पर तुम और रणवीर मेरी बातों को भी मानते ही नहीं, बस काम काम काम। क्या? अच्छा सॉरी, सुनो ना, मैं एक मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रणवीर पता नहीं कहाँ चला गया, एक मिनट उसे मिल के। तुम यही बैठो मेरे पास, बाद में आना। मैं अभी आई। दो मिनट यही बैठो, बाद में आना। मुझे तो इन दोनों पे सिर्फ डाउट था, पर ये दोनों तो मेरे डाउट को रियलिटी में बदलने की पूरी कोशिश कर। मैं तो कहानियां बना रही थी, पर ये दोनों तो रोमांटिक किस्से लिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के बीच में कुछ है, और अगर है भी तो वो कैस? परफेक्ट। आई नो तुम रणबीर के बिना नहीं जी सकती, फिलहाल ये फाइल तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। बैठ जाओ थोड़ी देर। रणबीर को यहाँ होना चाहिए था, इसे पढ़ रहे थे, काम की बात। बट तुम ही तो चाहती थी ना हमेशा से वो स्टार्टअप पे काम करे, और तुम हमेशा मोटिवेट भी करती थी उसे। ये स्टार्टअप उसका सपना है, और उसका कोई भी सपना मेरी आंखों से अलग नहीं। जब वो सोता है ना तो उसका हर सपना मैं खुली आंखों से देखती हूँ। जब कभी उसके सपने को या उसे टाइम नहीं दे पाती ना, तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी का वो टाइम बस वेस्ट हो गया। क्या यार, तुम रणबीर से कितना प्यार करती हो ना, तुम्हारे इस प्यार को देखे तो किसी को भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। यार प्यार ऐसे ही होता है, ऐसा प्यार किसी भी कपल में हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे और रिया के बीच में नहीं है ऐसा प्यार। मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास भी रहो। मेरा दम घुट है तुम्हारे साथ। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सिद्धार्थ कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, मुझे इस शादी से प्रॉब्लम है। क्या हुआ? अभी तो बहुत कुछ होगा, पर सबसे पहले शक की शुरुआत होगी। हाय रिया, व्हाट्स अप? क्या हुआ? ऐसा क्या देख रहे हो जो देख के तुम डर गए? मैं कुछ नहीं, मैं ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रहा था इसीलिए। अच्छा, हाँ। आई थिंक तुम कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि तुम काफी डरे हुए लग रहे हो। नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं क्यों छुपाऊंगा, मैं बस कुछ काम कर रहा था। कम ऑन रणवीर, शो इट टू मी, आई एम वेरी श्योर कि छुपा रहे हो और तुम किसी को दिखाना नहीं चाहते। कुछ नहीं छुपा रहा हूँ यार, मैं क्यों छुपाऊंगा। मैं रणवीर, मैं तुम्हारी साली हूँ, कम ऑन, यू कैन टेल मी, शो इट टू मी, कम ऑन। ओके, मैं ये देख रहा था। प्राची की फोटो। इन प्राची को तो तुम रोज देखते हो, तो फिर
उसकी फोटो क्यों देख रहे हो अभी? उसकी फोटो मैं इसलिए देख रहा हूँ रिया, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता पता है कि मैं इतना लकी हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। तुम्हें पता है हमारी शादी को अब 2 साल हो गए, लेकिन हर दिन जब मैं प्राची को देखता हूँ ना, मुझे लगता है मैं उसको पहली बार देखा। एवरी डे आई सी हर, और मेरा प्यार ना उसके लिए हर दिन इतना बढ़ता जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं प्राची को ना अपना सब दे दूँ, लेकिन तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है रिया? प्रॉब्लम ये है कि प्राची के पास 24 में से 4 घंटे नहीं है मेरे को देने के लिए। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें गिनवा भी सकता हूँ। मैंने सब कुछ मेमोराइज करा हुआ है। 24 घंटे में से 3 घंटे प्राची कुछ किचन विचन में काम वाम कर रही होती है, ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, और बाकी के बचे हुए कुछ 9 घंटे प्राची ऑफिस में होती है। उसके बाद का बचा हुआ 1-2 घंटा प्राची कुछ अपने पर्सनल काम वगैरह में लगा देती है। अब तुम खुद देखो, अगर तुम गौर फरमाओ तो 24 में से 14 घंटे खत्म हो गए। It's over. मेरे पास कुछ नहीं बचता, नथिंग। लेकिन वो तुम्हें घर आके तो टाइम देती होगी ना? अरे कहाँ टाइम देती है यार, वो घर आती है, घर आके मुझे बताती है कि उसने दिन में क्या क्या किया और मैंने दिन में क्या क्या नहीं किया। वो सारी कंप्लेंट, सारी शिकायतें सारी मुझसे करके अच्छे से सेटिस्फाई होके खाना वाना खा के हम सो जाते हैं। 24 घंटे खत्म, मैं कहाँ से टाइम निकालू उसको? इसलिए फोटो वोटो देखता रहता हूँ। 24 घंटे खत्म, तुम्हें हर एक घंटे का हिसाब है कि प्राची कब क्या करती है? हर एक घंटे का नहीं, हर एक मिनट का हिसाब है कि प्राची क्या क्या करती है, किससे क्या बात करती है। आई नो एवरीथिंग। ये तो तब होता है जब तुम घर पे होते हो, लेकिन अगर तुम घर पे नहीं होते हो तो 2 घंटे प्राची किससे बात करती है? वेरी गुड क्वेश्चन। 2 घंटे प्राची बात करती है तुम्हारे प्यारे पति से, सिड से, और उससे वो पूरे दिन बात कर सकती है। मतलब काम के साथ साथ दूसरी बातें भी होती है। क्या बोल रही हो तुम रिया, मुझे समझ में नहीं आया क्या? भी मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रणबीर, हमारी जो प्रॉब्लम है ना, शायद मेरी प्रॉब्लम भी होती है। सिद्धार्थ भी मुझे टाइम नहीं देता है। रात भर सोचती रही कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे टाइम नहीं देता है। शायद मुझे उसका जवाब मिल गया है, और हो सकता है कि मैं भी उसका जवाब मिल जाए। लेकिन तुम मुझे अभी लेके कहाँ जा रही हो? तुम खुद ही देख, चलो मेरे साथ। प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। प्राची, इंसान को लाइफ में क्या चाहिए होगा, पैसा या प्यार? मैं कहता हूँ दोनों मिल जाए, पर जो प्यार तुम और रणबीर करती हो ना, आई डोंट थिंक ऐसा प्यार कोई और कर सकता। ऐसा ही प्यार मेरी माँ और पापा के बीच। लोग ना प्यार में जीने मरने को तैयार हो जाते, कसमें खाते, पर ये दोनों प्यार में एक दूसरे से अलग होने को तैयार। एंड ट्रस्ट मी, जितना अलग रहते हैं ना एक दूसरे से, उतना ही प्यार बढ़ता है उनके बीच। काश मैं भी तुम्हारी तरह लकी होता। ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्राची, आई थिंक रिया मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार क्या, वो तो मुझे पसंद तक नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता है सब? उसने तो मुझे। अरे रिया, मैं जानती हूँ उसे, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, किसी को पता नहीं चलता। पर दिल की बुरी नहीं, टीवी है वो तुम्हारी। उसकी सिर्फ बातों पे ध्यान मत दो, उसकी दिल की सुनो, फीलिंग्स को समझो, उसकी आंखों में देखो। मैं तो कहती हूँ दिमाग यूज ही मत करो, अपनी दिल की सुनो। प्यार में ना सिर्फ फीलिंग्स मैटर करती है और कुछ नहीं। You're right. After all, वो रिया है, वो कभी भी कुछ भी कर देती है। आई मीन, कभी कभी वो बहुत ज्यादा स्वीट होती है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा रूड होती है। उसका नेक्स्ट मूव ना कोई गैस ही नहीं कर सकता। एंड यू नो वॉट, हमारे हनीमून पे। हाँ हाँ, ये हंसी बता रही है, तुम्हारे प्यार में ना प्यार से ज्यादा कंफ्यूजन है। पर कोई बात नहीं, कंफ्यूजन भी अच्छा है। और जरूरी नहीं ना हमेशा प्यार तुमको समझे, कभी कभी तुम भी प्यार को समझो। थैंक्स, तुम्हारी बातें सुन के ना मैं बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ। थैंक यू। बहुत जल्दी प्यार भी फील करोगे, पर प्रॉमिस करो मुझसे ऐसी वैसी बातें अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाओ। ठीक है, तो तुम भी प्रॉमिस करो, मैं कभी भी ऐसे कंफ्यूज होऊंगा ना तो तुम समझाने आओगे मुझे। चाहे रात भी हो, तुम मेरा फोन हमेशा उठाओगी, मुझे समझाओ, जैसे पहले किया करते थे। कभी भी फोन करते थे तुम ऑफिस के काम के लिए, रणबीर ना इतना चिढ़ जाता था ना। आई रिमेम्बर, बट आई प्रॉमिस, जब कभी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा रहूंगी तुम्हारे साथ। तो ठीक है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसी बातें बिल्कुल ही करूंगा।